हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। सो आज हम लोग बातें करेंगे, ये देखिए अब क्रिसमस आ रहा है, सर्दी का मौसम है तो केक तो बनना ही चाहिए। देखिए कितना स्वादिष्ट टेस्टी फ्लापी केक्स बन गया। पर ये केक बनाने के लिए हम लोग घर में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। अगर घर में ओवन ना हो, माइक्रोवेव में भी लोग बीच बीच में बनाते हैं पर ओवन ही यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लगभग जिन घरों में ओवन नहीं होता है तो वो लोग प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। एंड मैंने देखा है ये लोग जो प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं बीच बीच में, ये यूट्यूब चैनल में भी मैं देखा है, जो कुकिंग चैनल है उसमें दिखाया गया है प्रेशर कुकर यूज़ करो। पर ये बेकिंग के लिए प्रेशर कुकर बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे बेकिंग के लिए क्यों हम लोग प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करेंगे। देखिए प्रेशर कुकर जिस मटेरियल से भी बना हो, जो भी मटेरियल से बना हो, नॉर्मली एलुमिनियम, ये दोनों एलुमिनियम है, ये स्टील का, ये स्टील में बना होता है। एलुमिनियम प्रेशर कुकर दो तरीके का होता है, जो विदाउट इंडक्शन बेस, इसमें कुछ इंडक्शन बेस नहीं है, एंड विथ इंडक्शन बेस। एंड स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर ऑब्वियसली इंडक्शन बेस, पर इसमें एक एलुमिनियम सैंडविच बेस रहता है जो अलग से अटक के रहता है। नॉर्मली क्या होता है, बेकिंग का जो टेम्परेचर है वो है 180 to 250 नॉर्मली। सो इतना ज़्यादा टेम्परेचर में जो होता है, अगर आप लोग एलुमिनियम कुकर यूज़ कर रहे हैं तो ये एलुमिनियम कुकर तो ये रिकमेंडेड नहीं है यूज़ करना बेकिंग के लिए। क्योंकि क्या होता है, ये जो एलुमिनियम का स्ट्रेंथ है ना, जो प्रेशर कुकर का प्रेशर पकड़ के रखता है, ये एलुमिनियम इसका स्ट्रेंथ है। अगर आप लोग ये कुकिंग ये इसमें अगर बेकिंग करेंगे ना, तो ये प्रेशर कुकर का स्ट्रेंथ कम हो जाता है एंड नॉर्मल प्रेशर में ये प्रेशर कुकर फट जाता है। तो ये करना नहीं चाहिए। एंड इसमें क्या होता है ना, प्रेशर कुकर का जो शेप है, इसका जो ये जो शेप है, इसमें लीड अटकता है, ये शेप नष्ट हो जाता है तो कुकर खराब हो जाता है। एंड ये जो कुकर का जो तला है, ये कुकर का तला भी फूल जाता है। तो कुकर अभी जैसे ये बैठता है तो ये बैठेगा नहीं, ऐसे ऐसे ढिक 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 करेगा। अगर आप लोग ये तरीके का प्रेशर कुकर यूज़ करेंगे, ये जो इंडक्शन बेस्ड प्रेशर कुकर है, इसमें भी कुकर का नुकसान पहुंचता है क्योंकि एल्युमिनियम कुकर इसका शेप डीशेप हो जाता है इतना हाई टेम्परेचर में। अगर आप लोग बेक करेंगे डीशेप हो जाता है। एंड ये जो इंडक्शन बेस है ना, ये अलग से लगा होता है, ये एल्युमिनियम में स्टेनलेस स्टील का एक बेस लगा होता है, तो ये बेस भी खराब हो जाता है एंड बेस खोल के निकल के आता है। तो ये होता है, तो इसमें ऐसा ख़राब हो जाता है। अगर आप लोग स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर यूज़ करेंगे तो स्टेनलेस स्टील बहुत जल्दी जल जाता है एंड प्रेशर कुकर डी शेप होने का भी एक चांसेस रहता है। पर सबसे फोरमोस्ट जो बात मैं बोलना चाहता हूँ और शेयर भी करना चाहता हूँ, अगर आप लोग इतना हाई टेम्परेचर में इसमें अगर बेकिंग करेंगे ना, तो ये जो है ना, ये पार्ट जो है, ये जो अलग से लगा हुआ जो एल्युमिनियम कोर है, जो इंडक्शन बेस है, ये बेस पूरा खोल के निकल के आता है, तो पूरा कुकर आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसमें मैं रिकमेंड करूँगा तो कि आप लोग जब केक बनाते हैं तब ये केक बनाने के लिए ओवन या माइक्रोवेव ही यूज़ करें। ये प्रेशर कुकर बिल्कुल मत यूज़ कीजिए क्योंकि प्रेशर कुकर्स आर नॉट मेंट फॉर बेकिंग। ओके, सो प्रेशर कुकर में खाना बनाइए आप लोग जो प्रेशर कुकिंग में बनता है। प्रेशर कुकर उसके लिए बना हुआ है, तो प्रेशर कुकर में और कुछ भी नहीं बनाइए, जैसे बेकिंग करना ब्ला ब्ला ब्ला। तो केक आप लोग ज़रूर बनाइए क्रिसमस में, तो केक प्रेशर कुकर छोड़ के बनाइए, ताकि एक ये प्रेशर कुकर का लाइफ खराब कर देता है, प्रेशर कुकर को खराब कर देता है। तो अगर आप लोग चाहे आपका प्रेशर कुकर ज़्यादा दिन टिके, तो आप लोग ज़रूर प्रेशर कुकर को छोड़ के केक बेक करें, ताकि आपका प्रेशर कुकर सही सलामत रहे। तो इसके साथ मैं ये आज ये टेक्निकल इशू ख़त्म कर रहा हूँ। कोई एक नया टेक्निकल इशू लेके फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग केक बनाते रहिए ज़रूर, पर प्रेशर कुकर में नहीं, ओवन में या माइक्रोवेव में। थैंक यू, बाय बाय।